स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास जो आ रहा है वो सर इस, ये मैंने भी किया हुआ है, ये ठीक वाला, है हमजा आपने भी किया हुआ? बल्कि ये मैं शायद नहीं सर, अभी तो P1 पे मैंने शुरू किया है, अभी P2 पे आया नहीं हूँ। ठीक है। खैर इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा जल्दी से ये निमट जाएगा, कवर अप कर लेगा। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और इसमें क्या चीज है, इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि अ प्रोग्राम वेरिएबल्स हैव वैल्यूज एज द फॉलोइंग। ये वैल्यूज प्रोग्राम वेरिएबल के अंदर दी गई है और हमसे पूछ रहा है कि अप्रोप्रिएट डाटा टाइप। तो व्हाट डू यू थिंक, इसकी क्या क्या डाटा टाइप्स होनी चाहिए? वाइज आप बता दो, डाटा टाइप्स हमने पढ़ी थी। सर इसकी स्ट्रिंग है, इंटीजर है। ठीक ठीक है, टुडे है, टुडे में ट्यूसडे आ रहा है तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है। फिर उसके बाद वीक नंबर 37 है, ये क्या होता है? इंटीजर है सर। इंटीजर होता है, इसमें अमूमन आपको इंसर्ट गिवन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके अलावा रिवीजन जो है वो सिंपल स्ट्रिंग कैरेक्टर है, कैरेक्टर कैरेक्टर भी हो सकता है ना। होता है, स्ट्रिंग नहीं होगा, सिंगल कैरेक्टर है ये सी। ठीक है, तो कैरेक्टर ही होगा, चार लिखोगे जबकि, और फिर रियल है, और मैक्स वेट है, मैक्स वेट रियल है, और बूलियन, बूलियन, और लास्ट बूलियन। हो जाए वो बूलियन आ जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं, कह रहा है यहाँ पे इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग टेबल, इफ एन एक्सप्रेशन इज इनवैलिड देन राइट एरर। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो कह रहा है मिड, मिड का आपको पता है कि मिड ये कहता है कि जैसे टुडे लिखा हुआ है ना, तो मिड का फंक्शन है, मिडिल वैल्यू लेता है। टुडे एक स्ट्रिंग है, टुडे में 3 पोजीशन से लेके 2 कैरेक्टर उठाने। ठीक है, ऐसे ही है। तो जी। यस सर, एक तो ये चीज है, और उसके अलावा क्या कर रहा है ये? एंड रिवीजन एंड कोड एप एंड कंबाइन कर, रिवीजन। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका क्या जवाब आना चाहिए? इसका सर टुडे में जो ट्यूसडे है ना स्ट्रिंग, उसका ट्यूसडे में जो थर्ड कैरेक्टर होगा उसमें से दो पिक करना होगा। जैसे ट्यूसडे, एक सेकेंड ना, या अगेन, तो मिड ऑफ टुडे, टुडे के अंदर जो चीज आ रही है हमारे पास वो आ रही है स्ट्रिंग। तो टुडे के अंदर जो पड़ा हुआ है हमारे पास वो पड़ा हुआ था ट्यूसडे, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के, ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे में से तीसरी पोजीशन क्या बन रही है? ई ई सर, बन रहा है। ठीक है, ई से 2 कैरेक्टर लेने हैं, तो ई एस ई और एस आ जाएगा, ई और एस। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ई और एस। उसके बाद कह रहा है एंड सी रिवीजन, रिवीजन में जो आ रहा है वो सी आ रहा है, यहाँ देख सकते हो रिवीजन में सी है। ठीक है, अच्छा सर, ये मेरा क्या नाम है, मैंने जब ये किया था तो मेरा ये वाला जो पार्ट था वो गलत हो गया था। मुझे ये हाँ पूछना कि इसमें लाइक हमें टुडे की जगह वैल्यू को लेना होगा ये हाँ मैंने पहले रिवीजन। देखा नहीं था। टुडे देखो जैसे कह रहे कि इन कंटिन्यूएशन है ना, तो टुडे का जो वेरिएबल है, ये टुडे जो वेरिएबल है ये ऊपर हमारे पास मेंशन हुआ है कि ये ट्यूसडे रखता है अपने अंदर। टुडे वेरिएबल हैज अ वैल्यू ट्यूसडे, तो फिर तो सर ट्यूसडे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? ये तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना, सर मतलब पार्ट वन से करते हुए आ रहे हैं ना, तो हम पार्ट वन में देखेंगे टुडे है, टुडे में ट्यूसडे पड़ा हुआ है, तो टुडे के अंदर जो वैल्यू है ट्यूसडे, तो हम मिड ऑफ ट्यूसडे निकालेंगे। अच्छा ये आ गया, तो अब इसके बाद वो कह रहा है ईएस, तो आ गया ईएस के बाद उसने लिखा था एंड रिवीजन। अब जब हम रिवीजन की तरफ जा रहे हैं, दैट रिवीजन के अंदर यहाँ देख लो, अब रिवीजन में क्या रखा हुआ सी है? एंड सी सर, रिवीजन का मतलब फिर इसका सी आ जाएगा कैपिटल। सही है, एंड जो होता है ना वो कॉन्कैटिनेट कर रहा है इसको, यानी वैल्यू को एक के बाद एक लिख रहा है। फिर एंड है, एंड के बाद मजीद जो लिखा हुआ आ रहा है वो आ रहा है एपीई। तो फिर उसके बाद आप जो है इसका, इसके साथ ही आगे लिख दोगे एपीई, तो ये स्केप बन जाएगा। आप क्लियर है? तो जो सी है वो कैप्स में होगा इसमें। सी कैप्स में होगा, उसकी वजह ये है कि रिवीजन के अंदर भी वो सी कैपिटल में ही है, ये देखो। और ये इसके साथ अपोस्ट्रोफीज डालने पड़ेंगे। इन्वर्टेड कॉमा ये बता रहा है ना कि ये स्ट्रिंग है। ठीक सही सही है, जैसे यहाँ ट्यूसडे देख सकते हो तो ट्यूसडे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है फर्स्ट, उसमें इन्वर्टेड कॉमास में ही आ रहा अगर जैसे इन्वर्टेड कॉमास में ना लिखे तो मार्क जाएगा।
नहीं जाना तो नहीं चाहिए। नहीं इसमें जो है ना होगा, कोटेशन के अंदर होगा। एक तो मार्क्स यानी उस वक्त मिलेंगे, यानी सी भी मेंशन होना चाहिए कैपिटल का, एपोस्ट्रोफी भी होनी चाहिए। एक्सप्रेशन बन रही है ना स्ट्रिंग है, तो इसमें होगा मार्क्स कटेगा अगर आप नहीं लिखते तो। फिर आपसे कह रहा है इंटीजर ऑफ मैक्स वेट, अब मैक्स वेट की कोई ना कोई वैल्यू है 60.5 है सर। 60.5, तो मैक्स वेट के अंदर 60.5 जो है वो लेगा, और उसके साथ क्या लेगा प्लस 4.2, तो 60.5 और 4.2 64.7 बन रहा है। यस सर, लेकिन फंक्शन है वो किसका लगा हुआ है, इंटीजर का इंटीजर लगा हुआ है तो 64 हो ऑफ, जाएगा ना सर। हाँ इंटीजर ऑफ 64.7 के अंदर से जो उठाएगा ये सिर्फ 67 उठाएगा, वो 64 उठाएगा, इंटीजर पार्ट उठाएगा ये, ओनली इट विल कैरी इंटीजर पार्ट, 67 उठा लेगा। समझ में आ रहा है भाई सबको? जी जी सर, ये सर। वाला पार्ट मुझे नहीं समझ आया, फिर से बता नहीं दो। आया। इंटीजर का फंक्शन सिर्फ क्या लेता है, नंबर लेता है, इंटीजर वैल्यू। जी मैक्स वेट के अंदर हमारे पास ऊपर क्या रखा हुआ है, 60.5, मैक्स वेट 60.5। तो यहाँ पे मैक्स वेट की जगह 60.5 आएगा, यहाँ पे 4.2 आ जाएगा। सिर्फ इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो लिखनी है, इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी उसका इंटीजर, इंटीजर का मतलब तो विदाउट डेसिमल। अच्छा मेरा जब भी मार्क्स इसमें गया था मैंने 64.7 लिख दिया था इसको पूरा उठा के। इंटीजर है ना, सही सही समझिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कहते हैं लेंथ ऑफ, लेंथ का फंक्शन होता है लेंथ निकालता है, लेंथ ऑफ मैक्स वेट, तो मैक्स वेट में क्या पड़ा हुआ है 60.5, तो लेंथ जो निकालता है वो निकालता है स्ट्रिंग की। क्या ये स्ट्रिंग है, जगह नो सर, एरर आ जाएगा। क्या आना चाहिए, एरर, तो यहाँ एरर डाल देंगे। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है राइट एरर, तो कैपिटल लिखा हुआ था वो सर क्या लिख लेता हूँ। जी हमजा, इसमें हमने इसलिए एरर किया हुआ है ना क्योंकि मैक्स वेट तो नंबर दिया हुआ है, इसलिए जो है ना वो एरर दिया जाएगा इसमें। हाँ यही कहा मैंने, आवाज अटकी। अगर हाँ हाँ बोलो, जैसे अगर जो है यानी कोई स्ट्रिंग दिया हुआ हो तो अभी वो जो है ना सही काम करता ना। लेंथ मैक्स वेट है ना, अज्यूमिंग मैक्स वेट में यहाँ पे लिखा हुआ होता, अज्यूमिंग मैक्स वेट में यहाँ लिखा हुआ आता मैक्सिमम वेट, लेट सपोज 30 लिखा हुआ आता, तो अब ये क्या रिटर्न करता, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही है, क्योंकि वो यस सर, एल्फाबेटिक कैरेक्टर होते, तो फिर वो वहां पे इसकी जो लेंथ थी 6 वो रिटर्न कर देता। अब हमारे पास जो आया था वो तो नंबर था। ठीक है सर। आगे जाते हैं, अब क्या है मॉड, मॉड का फंक्शन याद है, सर मॉड में तो डिवाइड करता है ना। मॉड के अंदर इंटीजर डिवी वो बचता है ना, क्या कहते हैं रिमाइंडर बचता है, डिवाइड तो होता है, मतलब मॉड में ऐसा है कि अगर मैं लिखता हूँ 7/2, तो 2 3 6 और बच गया 1, तो मॉड में ये वैल्यू आती है। तो जी मॉड में कह रहा है वीक नंबर, तो वीक नंबर, वीक नंबर 37 लिखा हुआ है, 37 37 है, तो कहता है वीक नंबर को, यानी वीक नंबर को 1 मिनट, अपना मैं जरा हाँ जी, तो बात ये हो रही थी कि वीक नंबर पे क्या वैल्यू आ रही थी, 37, जी सर। तो 37 को उठा के 12 से डिवाइड कर दो, 37 को 12 से, 37 को 12 से करोगे तो 12 3 36 आता है, क्या बच रहा है 1 1 बच रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 और आनी चाहिए। बच्चों आ रहे हैं समझ में, हमजा और ईमान? यस सर। सर सर ये तो है, ये जो आपने 2 को 7 से क्यों किया। वो समझाने के लिए किया था, एग्जाम्पल के तौर पर। सही 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 अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे रिवीजन लेस देन इक्वल्स टू डी, रिवीजन में क्या रखा हुआ, रिवीजन सी में सी था, सी तो कह रहा है रिवीजन सी लेस सर देन इक्वल, ये मुझे मॉड की एक चीज पूछनी है कि लाइक जब उसमें जो पहला नंबर होगा
वो हमेशा मतलब डिवाइड होगा नेक्स्ट नंबर से जो कॉमा के बाद होगा। हाँ जैसे कोई भी पहला नंबर वीक नंबर में जो भी वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड बाय नेक्स्ट नंबर से करोगे। सही सही समझ। आगे बढ़ जाओ। जी जी सर। जी सर, और रिवीजन में क्या आ रहा था? सी रिवीजन में सी था सर। सी था। सी लेस देन इक्वल्स डी एंड नॉट ऑफ लास्ट बैच। लास्ट बैच, लास्ट फॉल्स बैच, था, ट्रू लास्ट बैच है था। ये लिखा हुआ है, लास्ट बैच टू। तो सर नॉट लिखा हुआ तो मतलब इन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा फॉल्स एंड लास्ट बैच, तो ये यानी नॉट ऑफ ट्रू कहेंगे इसको, ऐसे ही होगा। जी यस सर। एंड फॉल्स, तो इस पे क्या रिजल्ट आना चाहिए? फॉल्स फॉल्स। फॉल्स आएगा। ठीक है, तो क्यों आएगा फॉल्स? फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन क्या है? फॉल्स नॉट है लास्ट सर। नॉट ट्रू है तो फॉल्स है। नहीं, वाइस दोबारा बताओ क्या है। सेकेंड कंडीशन फॉल्स है। एंड नॉट ऑफ लास्ट बैच है ना, तो लास्ट बैच में क्या था? फॉल्स नहीं है वो बल्कि क्या है? ट्रू ट्रू है है। फॉल्स। ये है, तो इस वजह से फॉल्स और ट्रू मिला के क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। जी सर। सिंपल एल्गोरिथम इसकी, तो आसान सा सवाल है। इसमें सिंपल सिंपल पूछ रहा है सम कैरेक्टर्स में जा रहा है हेलो वर्ल्ड, तो इस चीज को हम कहते हैं क्योंकि जा भी रहा है, ये जो चीज रिप्रेजेंट करती है प्रोसेस को। ठीक है, तो ये जा रहा है, आगे कुछ आउटपुट तो हो नहीं रहा, आउटपुट यहाँ लिखा हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। रीड फाइल कर रहा है, रीड फाइल के अंदर क्या क्या हो सकता है? रीड फाइल में इनपुट भी हो रहा है, ठीक है, और उसके अलावा प्रोसेस भी हो रहा है। रीड फाइल का मतलब इनपुट हो रहा है, और राइट फाइल हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो राइट फाइल में आउटपुट भी हो रहा है और साथ साथ प्रोसेसिंग भी हो रही है कि ये जो डाटा इज है और जो भी माय कैरेक्टर में वो आपके पास जा रहा है उठ के माय फाइल में, तो प्रोसेस भी हो रहा है। तो क्या जैसे ये माय बात? कैरेक्टर पार्ट 3 में भी था तो इसलिए वो प्रोसेस्ड। हाँ, प्रोसेस दोनों हो रहा है ना, क्योंकि माय कैरेक्टर की जो भी वैल्यू है वो उठ के आपके माय फाइल के वेरिएबल में जा रही है, तो प्रोसेस हो रहा है ना। बच्चों सही है। ठीक ठीक है है सर। सर। राइट अ सुडो कोड इन पोस्ट कंडीशन लूप। पोस्ट कंडीशन लूप का मतलब है डू व्हाइल, और रिपीट अंटिल नहीं, पोस्ट कंडीशन है ना, सॉरी, पोस्ट कंडीशन में रिपीट अंटिल ही तो आएगा। रिपीट। कंडीशन होता है तो प्री कंडीशन डू व्हाइल होता है, पोस्ट होता है रिपीट अंटिल। टू आउटपुट ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 200, तमाम ऑड नंबर जो 100 से लेकर 200 में आते हैं वो 1 से 2 मिनट दे सकता हूँ, आप खुद से अपना कर लो और फिर मुझसे शेयर कर लो और फिर मैं करा देता हूँ। आई थिंक नॉट मोर देन 2 मिनट्स, तो देख लो 1 से 2 मिनट में आप क्या लिख सकते हो ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि आपको कितना रिवीजन है, तो 2 मिनट ले लो, आराम से हो जाएगा और फिर मैं आपसे शेयर नमाज करूँ। पढ़ने जाओगे तो तब तक ही खड़ी रहकर ठीक चले है जाओगे। बच्चों, अब यहाँ हम ठीक है सर। रिपीटेशन लूप में हमने करना है टू पुट ऑल द नंबर। देखो रिपीट अंटिल, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें रिपीट अंटिल का लूप लगता है, तो रिपीट तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, टू आउटपुट ऑल द ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर के लिए कह रहा है बिटवीन 100 एंड 200, अब जो नंबर है वो 100 आ रहा है। ठीक है, अब इसका तरीका क्या हो सकता है? सिंपल सिंपल, जैसे मैं अगर कोई भी वैल्यू ले लूँ, लेट सपोज मैं काउंट ले लेता हूँ, और काउंट को मैं लिख देता हूँ कि काउंट की वैल्यू है, और ये कह रहा है बिटवीन 100 एंड 200 ना, तो मैं ठीक है मैं काउंट को ले लेता हूँ 101, सही है, और रिपीट लिख के मैं काउंट को प्रिंट करा देता हूँ आउटपुट काउंट। बताओ क्या आएगा? 101। 101 आ जाएगा। अब उसके बाद मुझे छोटा सा काम ये करना है कि ये जो मेरा काउंट है इस काउंट में मैं काउंट प्लस 2 कर देता हूँ, तो 101 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 103, 103। 103 हो जाएगा। जरूरी है क्या काउंट 101 लेना है? मैंने 100 लिया था। तो फिर मसला ये है कि तुम्हें नीचे फिर उसमें प्लस 1 ऐड कराना होगा। तुम्हें जो वैल्यू है वो कह रहा है ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 200, तो 100 तो तुम्हारा ऑड नहीं हुआ ना, इवन हो जाएगा। सही। मतलब वो तो हुआ ही नहीं ना, तो अब जरा गौर से इसको समझना, और मैं इसको चला देता हूँ 199 तक। अब होना क्या है? होना ये है कि ये अंटिल फिर वापस जाएगा रिपीट पे, तो सिचुएशन इस तरह से जाएगी कि
काउंट में 101 पड़ा हुआ है, आउटपुट काउंट में 101 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे 101 प्रिंट हो जाएगा, नीचे आएगा फिर 101 में +2 करेगा तो आपके काउंट में 103 आ जाएगा, मानते हो? जी और सर, अंटिल काउंट ग्रेटर यस देन सर, 199 तब तक जब तक कि काउंट 199 से बड़ा ना हो जाए। क्या 199 से 103 बड़ा है? नो सर, नहीं नहीं सर, रिपीट करेगा, आप वापस आएगा, अब आउटपुट काउंट कराएगा, अब जिस टाइम आउटपुट की वैल्यू 101 नहीं होगी बल्कि 103 होगी, समझ लो, जी सर, 103 हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आगे जाएगा नीचे तो आगे, अब ये जो 101 था इसमें क्या ऐड हो जाएगा? नहीं, हंड्रेड एंड सर 103 में ऐड होगा ना हंड्रेड एंड थ्री प्लस टू, अब ये कितना हो जी, जाएगा? 105। 5। अंटिल काउंट फिर ये 103 के बजाय 5 हो जाएगा, और फिर ये आगे जाएगा, और फिर ये 105 हो जाएगा, एक सौ समझ रहे पांच हो? तो जी ये सर, चलते जी सर। जब चलते चलते ये आ जाएगा 100। सर ये आउटपुट काउंट पहले 103 होगा ना, पहले पहले मतलब कि मतलब कि आउटपुट पुट करा काउंट दिया ना मैंने, 103 होगा, 103 में वो हो गया प्लस ना टू होगा, 103, टू होगा 103 +2 हो जाएगा तो ये 105 आ जाएगा, जब जी। तो 105 मैं उसके बाद पूछूं कि जाएगा ऊपर तो वाली लाइन में तो आउटपुट 103 होगा ना हाँ, पहले कर चुका ना वो, ये करके मैं आगे बढ़ू, तो सही सही अब ये समझ लो कि ये जब आखिर के अंदर तुम्हारे पास 199 लाएगा, ऐसे ही है ना, जब 199 लाएगा तो 199 इज ग्रेटर देन 199, तो ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, ये फिर भी चल जाएगा, और जब फिर भी चलेगा तो उसके बाद आउटपुट आउटपुट यहाँ पर आकर आखिरी में 199 करेगा, ये यहाँ 199 आ जाएगा। अब जब यहाँ पर ये जो 199 काउंट आ रहा होगा तो 199 +2 हो जाएगा, तो अब ये आखिरी वैल्यू इसकी हो जाएगी 201, तो ये कह रहा है तब तक जब तक ये वैल्यू बड़ी ना हो जाए, तो अब आखिर में जाके फाइनली ये 201 हो जाएगा, तो 201 इज ग्रेटर देन 199, अब हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, जी सर, यार रुक जाएगा, तो आप में से इसके जो मार्क्स बनेंगे वो इस तरह होगा कि काउंटर की इनिशियलाइजेशन का 1 मार्क है, ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज रिपीट अंटिल के लूप का है, दूसरा मार्क, लेकिन सर, तीसरा मार्क ये है कि जो आप करेक्ट तरीकेकार लगा रहे हो, यानी ये वाला आउटपुट वाला, नहीं तीसरा मार्क आउटपुट का है, और चौथा मार्क ये काउंट इक्वल टू काउंट +1 करने का। लेकिन सर हम ये 201 तक जाएगा नहीं ना, क्योंकि हमें रेंज जो दी हुई है वो 100 और 200 के बीच की दी हुई है। कौन नहीं जाएगा? ये 201 तक जाएगा नहीं ना, मतलब 199 पे रुक जाएगा ना, वो तो क्योंकि रुक जो जाएगा ना, हमें प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट तो 199 तक कर रहा है ना। जी, क्योंकि रेंज हमारी वो है ना 100 से हाँ क्लियर है भाई सर। इसको मैंने जी। मोड से भी किया है, मोड का फंक्शन लगा के, मॉड का फंक्शन लगा के बताओ कैसे, डिस्काउंट तब उसमें से या फिर इनपुट जब नम करवाया तो पहले उसमें, मुझे अगर मुझे बताओ तुमने कैसे किया, लाइन बताओ मुझे। मतलब रिपीट के बाद इनपुट नम करवाया ना, तो उसमें फिर जैसे इफ मॉड 2 इक्वल 1 है तो ऑड है जी, ऐसे कह रहे हो, रिपीट लिखा, इनपुट नम किया इसके अंदर नम करा रहे हो। जी, हाँ और उसके बाद नम का वो मॉड लेंगे, इफ नम मॉड 2 इक्वल 1 है। सवर इफ नम नम मॉड नम मॉड नम मॉड टू 2 इक्वल 1 इक्वल वन, अगर तो ये नम का मॉड टू तो आउटपुट इनपुट है इनपुट जो, नम के अंदर क्या होगा, इनपुट नम में मतलब वही में जिसमें बस डाउट हुआ था कि नम में मैं रेंज कैसे 100 और 200। हाँ तो वो नहीं कर सकते ना, मतलब अच्छा हमें तो उसने साफ साफ बता दिया कि 100 से लेकर 200 के दरमियान होना चाहिए, तो हम शुरुआत ही 100 से या 101 से कर लेते है ठीक, ना, उसने पोस्ट कंडीशन बोला है ना, वरना तो मैं सीधा सीधा अगर इसको, मैं अगर पोस्ट कंडीशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता तो मैं उसको फॉर लूप से भी कर सकता हूँ सीधा सीधा, उससे आसान क्या होगा, फॉर लूप में क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं सिंपल लिखूंगा फॉर, अगर यही काम मुझे फॉर के जरिए करना होगा तो मैं सिंपल लिखूंगा फॉर काउंट बराबर है 101 से लेकर 199 तक, आउटपुट काउंट और नेक्स्ट काउंट, और कुछ लिखना है इसके अलावा? लेकिन इसमें वो बस ऑड का नहीं आएगा, इसमें सारे नंबर्स आउटपुट हो जाएंगे। अरे हाँ ये भी तो है, हाँ इसमें फिर एक चीज और होती है,
तो इसमें फॉर अगर मैं इस तरह ना करूं और वाइल के जरिए करूं, इसमें एक चीज और होती है जो अभी बताई नहीं जाती, वरना इसमें एक चीज होती है स्टेप टू के नाम से, स्टेप टू से। तो स्टेप टू से ये होता है कि ये हर नंबर को 2 स्टेप आगे ले जाता है, ऐसा भी है। ओके और एक और तरीका जो है वो फिर होगा थ्रू वाइल। तो वाइल के लिए क्या हो सकता है? लेकिन सबसे आसान मेथड यही है ना करने हाँ ऐसे ही है, जैसे अगर आपने सिंपल लिख दिया व्हाइल काउंट, पहले काउंट को आपने बता दिया, तो काउंट में आप डाल दो 101, नहीं 2 ऐड करना है ना, तो 99 से डाल दो, और क्योंकि फिर उसमें ऐड करके चलेगा, या चलो 99 के बजाय 100 से ही डाल दो, 101 से। और फिर व्हाइल काउंट इक्वल्स व्हाइल काउंट इज लेस देन, और काउंट होना चाहिए 200 से कम, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज हो सकती है, आउटपुट करा दो काउंट को तो 101 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप लिख दो काउंट बराबर है काउंट प्लस 2, तो 101 प्लस 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एंड वाइल आ जाएगा। तो ये वापस जब यहाँ घूम के जाएगा तो काउंट में 103 होगा, 103 भी 200 से कम होगा, फिर आउटपुट काउंट 103 कर देगा और चलता रहेगा। फिर उसके बाद ये जब जाएगा 103, और ये जब जाएगा फाइनली 100, यहाँ पे समझ लो कि आखिर में यहाँ आएगा 197, 197 प्लस 2 करेगा 199 आएगा, तो 199 स्टिल छोटा होगा 200 से, काउंट के अंदर 199 को प्रिंट करेगा। फिर जब नीचे आएगा तो अब ये 199 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 201 हो जाएगा, फिर 201 200 से छोटा नहीं होगा तब भी चल जाएगा। तो ऊपर मैंने तुम्हें रिपीट से भी करके दिखा दिया और वाइल से भी करके दिखा दिया, बोलो आया समझ में? क्लियर जी सर। यस है? सर, एक क्लियर। बात बताएंगे कि ये 1 मिनट, ये कलर्स वाला हटाएंगे। हाँ जी, सर, ये अंटिल काउंट के बाद कुछ वो नहीं लगेगा, प्रिंट नेक्स्ट करते? नहीं जरूरत क्यों है, क्योंकि आउटपुट काउंट ऑलरेडी हो तो रहा है ऊपर। हाँ सही सही सही। मतलब हमें तो एक्चुअल काम क्या करना था, हमें तो एक्चुअल काम यही करना था ना कि हमें वैल्यू प्रिंट करानी थी, तो वैल्यू तो हो रही है ना आउटपुट काउंट में, आउटपुट तो हो रही है वैल्यू जो ऊपर लिखा है मैंने, बताओ आ रहे समझ में भाई? जी जी सर। सर। ये है स्ट्रक्चर चार्ट, ठीक है, डायग्राम जो पढ़ा होता है स्ट्रक्चर चार्ट। तो स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर क्या कह रहा है कि आपको पता है वैल्यूज आ रही हैं वैल्यूज जा रही हैं, तो 3 आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द डायग्राम शोज अबाउट द डिजाइन ऑफ प्रोग्राम। तीन आपको क्या लगता है कि क्या आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है? हाँ सर, डिफरेंट नोड्स हैं, डिफरेंट, ठीक नोड्स है, और इसके अलावा एक ऑर्डर सिस्टम में है, और वैल्यू इनपुट हो रही है, इस तरह कह रहा है कि ये मॉड्यूल्स कहलाते हैं ना इसके, है दी मॉड्यूल्स। ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉड्यूल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉड्यूल्स ये बता रहे हैं, और उसके अलावा हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स बता रहे हैं कि मॉड्यूल्स की हायरार्की क्या है। जी सर। हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर चार्ट हायरार्की बताता है, तो हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स बता रहे हैं। और तीसरी चीज जो हो सकती है कि जो पैरामीटर पास हो रही है, जो वेरिएबल पास हो रहे हैं, ये वेरिएबल्स हैं और ये मॉड्यूल्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल्स आर पास बिटवीन मॉड्यूल्स, क्या ऐसा है? जी सर। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि पैरामीटर पैरामीटर और वेरिएबल्स पास बिटवीन मॉड्यूल्स, पास बिटवीन मॉड्यूल्स, ये 3 इन्फॉर्मेशन है। तो याद रखना ये भी मॉड्यूल, ये भी मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, तो मॉड्यूल्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो वेरिएबल पास हो रहे हैं बिटवीन मॉड्यूल्स उनकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और मॉड्यूल्स के दरमियान की हायरार्की मिल रही है। बताओ बच्चों क्लियर है? क्लियर सर। जी सर, क्लियर। आगे चले जाते हैं, कहता है एग्जाम्पल ऑफ डेटा सर, ये आइटम, जो ए और बी है, ये आपके वेरिएबल्स में ये आएंगे ना? वेरिएबल्स और पैरामीटर्स कहलाते हैं ना, बैड। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द डेटा आइटम दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द एरोज आर गिवन इन द टेबल,
ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है। यू सुडो कोड टू राइट द फंक्शन ऑफ फंक्शन हेडर ऑफ द कार्ड पेमेंट, फंक्शन हेडर ऑफ द कार्ड पेमेंट। तो प्रोसीजर और फंक्शन जब आपको करवाया है मैंने, ठीक है, तो हम फंक्शन अगर कोई भी डिफाइन करते थे, डिक्लेयर करते थे, वो तो कह रहा है टू राइट द फंक्शन हेडर। तो आपको याद है फंक्शन लिखते थे, फिर फंक्शन के बाद क्या लिखा करते थे, क्या वो सर फंक्शन का नेम, नाम है यहाँ पे, फंक्शन के कार्ड नेम लिखते थे एरो। पेमेंट। तो इसका मॉड्यूल का नाम है कार्ड पेमेंट, जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे कार्ड पेमेंट, और ब्रैकेट में फिर पैरामीटर लिखा करते थे। जी जी सर, तो डायरेक्ट कार्ड पेमेंट है तो उसके अंदर हम एक पैरामीटर लिखते थे, और यहाँ पैरामीटर जो इस्तेमाल हो रहा है वो रियल है। मतलब कार्ड पेमेंट है ना, तो कार्ड पेमेंट का पैरामीटर हो सकता है अमाउंट, ऐसे ही है। हाँ दोबारा और क्या बोल रहे हो वाइस? सर डेटा टाइप भी लिखेंगे ना, रियल। हाँ वो तो लिखूंगा, ये समझ में आ रहा है अमाउंट क्यों लिख रहा हूँ। जी सर, क्योंकि सर अमाउंट लिख सकते हैं या प्राइस लिख सकते हैं। प्राइस कार्ड पेमेंट चेकआउट, प्राइस प्राइस तो नहीं, अमाउंट ही आता है बेसिकली, अमाउंट से रिलेटेड कोई चीज लिख सकते हो। चेकआउट के ऊपर जब आप कार्ड पेमेंट करते हो तो पेमेंट हो जाती है ना, जैसे ऊपर से अगर पढ़ो तो क्या, यहाँ प्राइस तो नहीं होगी ना, डाउनलोड म्यूजिक फ्रॉम एन ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर, ठीक है ना, वो ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर से, तो उसको पेमेंट ही करनी है ना उसकी। यानी चेकआउट पे जब आएगा, जब वो फाइनल चेकआउट की तरफ आएगा तो कार्ड पेमेंट होगी, ऐसे ही है। ऐसे तो का इसमें तो आ गया कि कार्ड पेमेंट आ गया, तो यहाँ लिखते हैं कार्ड पेमेंट, और कार्ड पेमेंट के बाद जो है यहाँ पर, यानी वो जो पे करेगा वो अमाउंट करेगा, और इसके बाद हम कॉलन डाल के लिखते हैं उसकी डेटा टाइप। तो रॉबर्ट था, अब क्योंकि ये जो अमाउंट आ रही है ये आ रही है 234.56, ऐसे ही है। जी तो ये रियल है इसलिए हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ठीक है। और जो नाम है ऐसा ही है ना, जी तो यानी वो ये कह रहा है कि इतने पैसे डालोगे और ये नाम डालोगे तो फिर आपके पास ट्रू आएगा। तो एक तो अमाउंट डालोगे और कॉमा डाल के जो दूसरी चीज लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी नाम, यानी नेम। और नेम की डेटा टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ जाएगी। तो फंक्शन हमेशा वैल्यू को क्या कराता है, रिटर्न ट्रू और रिटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखेंगे, बूलियन। ठीक बूलियन लिखा जाता है ना, रिटर्न्स बूलियन, जैसे तो रिटर्न रियल, रिटर्न इंटीजर, ये होगा ना। सर नेम इसलिए लिया क्योंकि वो मिस रॉबर्टा को हाईलाइट करने के लिए। हाँ मिस रॉबर्टा स्मिथ, सही है। सही सर। आगे बढ़ जाऊँ? जी सर, जी सर, अच्छा ये वाला हमने किया है, पुश पॉप वाला स्टैक के टाइम भी किया है, इसके सवाल मैंने कराए थे ना, जी सर, इसको फिलहाल मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू, पासिंग बाय रेफरेंस किया हम लोगों ने, नहीं सर ये नहीं किया। नहीं सर, ये नहीं किया हमने। ये नहीं, तो पहले ये करना पड़ेगा, ये करा के ही फिर कराना पड़ेगा। ये मुझे याद आया कि पासिंग बाय वैल्यू और पासिंग बाय रेफरेंस, ये चलो मैं फिर कल ही कराऊंगा तुम्हें। अभी अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, द सुडो कोड इंक्लूड द यूज ऑफ पैरामीटर। तो इसको हम कर सकते हैं कि सुडो कोड के अंदर पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कह रहा है स्टेट टू अदर फीचर्स इन सुडो कोड दैट सपोर्ट मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच के लिए हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी, अभी अभी हमने इसका जिक्र किया है, सर वो मॉड्यूल बनाते हैं ना, हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वो किस मॉड्यूल्स। में होता है काम, जो मॉड्यूल्स हम लिखते हैं, मॉड्यूल्स हम क्यों लिखते हैं कि एक ही टाइप ऑफ कोड जो बार बार रिपीट होना होता है, तो उसके लिए एक चीज बनाते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, फंक्शन फंक्शन प्रोसीजर प्रोसीजर। तो फंक्शन तो इस्तेमाल हो ही रहा था, तो टू जी फीचर इन द बॉट, तो यहाँ पे जो पहली चीज आएगी वो आएगी प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में तो आता ही यही है, ठीक है। और उसके अलावा फीचर्स में एक चीज आती है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, यूज ऑफ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि लोकल वेरिएबल भी वो है जो आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में अंदर इस्तेमाल करते हो। तो ये इसके दोनों आंसर्स आ गए।
ये लिख लिया। यस सर। सर, लोकल वैल्यू वेरिएबल कैसा आएगा ये बताएंगे? लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में पता है? गैस का रिवीजन दूं? दे देना सर। दूं। ये हम कौन से पेज पे हैं इसके? स्टार्ट करिए ना। लोकल ग्लोबल वेरिएबल ओ में आपने पढ़ा होगा, एक ऐसा होता है कि आप जब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हो, प्रोसीजर और फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, तो इसमें ऐसा होगा कि जब आप कोई प्रोसीजर डिफाइन करते हो, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे प्रोसीजर। ये आ गया, यहाँ पे स्क्रीन आ रही है सामने। पहली जी चीज देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज बाय एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल को आप प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हो। नाम से जाहिर हो रहा है लोकल वेरिएबल, है ना? तो लोकल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब एक ऐसा वेरिएबल है जो आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो। सॉरी, ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीन आ रही है सामने। अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज बाय सर, स्क्रीन आ एनी रही है। पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो आप बात ये हो रही है कि देखो ये नजर आ रहा है ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल आपके प्रोग्राम में आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑन द अदर साइड जो लोकल वेरिएबल होता है कैन ओनली बी यूज बाय पार्ट ऑफ प्रोग्राम इन हैज बीन डिक्लेयर्ड इन। जिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में उसको डिक्लेयर कराया गया है, सिर्फ वो उसी में इस्तेमाल होता है। मतलब कि लोकल वेरिएबल स्पेसिफिक जगहों पे यूज होता है और ग्लोबल वेरिएबल कहीं भी यूज हो सकता है। मतलब ग्लोबल वेरिएबल आपके पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन रहेगी, लेकिन ग्लोबल, ये जो लोकल वेरिएबल है, ये सिर्फ आपके पास उस पार्ट में जिसमें आपने उसको डिक्लेयर कराया है, सिर्फ उसी में इस्तेमाल होगा। तो अब मैं जरा आ जाता हूँ इस कोड पे, थोड़ा सा मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा। ये आपको एक कोड दिया हुआ है, ठीक है? तो अब जरा इसको देखना, लोकल वेरिएबल जो प्रोसीजर को दिया जाता है वो लोकल वेरिएबल है। क्या यहाँ पे कोई प्रोसीजर इस्तेमाल हो रहा है? कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? प्रोसीजर टेस्ट सर। तो एक प्रोसीजर इस्तेमाल हो रहा है टेस्ट, और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। इस प्रोसीजर में नंबर 3 के नाम का एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, और आंसर के नाम का। कह रहा है कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये कहलाते हैं लोकल। उससे ऊपर अगर देखो तो एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, और एक आंसर है। तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि जो आंसर है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है और आंसर यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। बट फर्क ये है कि ये यहाँ देखो कि उसने नंबर 1, नंबर 2 और आंसर को, तीनों को ग्लोबल वेरिएबल कहा है कि वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। अब तुम्हें बेहतर समझ में उस वक्त आएगा जब इसको चलाओगे। अब हम चलाते हैं। हमने कहा नंबर 1, नंबर 2 और आंसर, ये 3 वेरिएबल हैं, एक प्रोसीजर टेस्ट है। क्या प्रोसीजर टेस्ट अभी काम करेगा? नो सर, नहीं, क्यों नहीं नहीं करेगा? करेगा सर। नहीं करेगा क्यों? क्योंकि अभी तक इसको कॉल नहीं कराया गया है। प्रोसीजर तो बना के रखा गया है ना। प्रोसीजर काम कब करता है? जब कॉल जब उसे प्रोसीजर कॉल कर देते करते हैं हैं। सर। कॉल करते हैं तो डिक्लेयर भी हो गया और प्रोसीजर भी बन गया। हमारी एक्चुअल कहानी कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से। हाँ या ना? जी सर, सब मानते हो जी कि सर। नंबर 150 से शुरू होती है हमारी कहानी? तो नंबर 1 में 50 का मतलब है कि नंबर 150 है, और 2 में 100 का मतलब ये कि ये 100 हो गया। नंबर 150, नंबर 200 कितना हो जाएगा? 150। आंसर में 150 आ गया आउटपुट। नंबर 1 इज नंबर 1, क्या लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ?
बोलो। 50 नंबर 1 आ रहा है, अबाउट 50। ऐसे लिखा हुआ है ना, ये नंबर वन इज, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ आएगा और उसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा 50। इसी तरह आउटपुट नंबर टू इज, नंबर टू क्या लिखा हुआ आएगा, 100 नंबर आएगा सर। नीचे जाओगे आंसर इज, आंसर इज 150। नीचे देखो आउटपुट स्क्रीन के हिसाब से क्या लिखा हुआ आ रहा है, जो मैंने लिखा है क्या मैच कर रहा है। जी सर, बिल्कुल नंबर वन करेक्ट। इज 50, नंबर वन इज 50, टू इज 100, टू इज 100, आंसर इज 150, आंसर इज 150, ऐसा ही है। जी सर। यस सर। आगे जाते हैं, कॉल करो टेस्ट को, अब क्या करेगा, वो जो प्रोसीजर है प्रोसीजर अब, जो बनाया था वो कॉल होगा। अब यहाँ आ जाएंगे हम, ऐसा ही है। जी अब उसके अंदर नंबर थ्री अलग डिक्लेयर हो रहा है, अब आंसर, अब जो पिछला वाला आंसर था अब वो वाला आंसर उसकी बात नहीं हो रही है, अब ये वो आंसर है जो लोकली इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे ही है। बस जी सर, आवाज पहुंच रही है, तो ये आ गया। जी सर, अब जो नंबर वन है वो 10 है, नंबर दो 20 है, नंबर तीन 30 है, तो नंबर वन के अंदर आ गया 10, नंबर दो के अंदर आ गया 20, आंसर में आ गया 30, ऐसा ही है। जी तो आउटपुट नंबर वन इज नाउ, अब जो लिखा हुआ आएगा नंबर वन में क्या आ रहा है, 10, नंबर नंबर वन। दो में 20 और आंसर में 30, ऐसे ही आ रहे हैं। जी तो आउटपुट स्क्रीन पे 10 20 30 आना चाहिए, जी सर, 10 20 30 आ रहे, जी आ रहे। आ रहे। उसके बाद प्रोसीजर एंड हो गया, एंड प्रोसीजर पे आ गए ना, जी सर, जी सर, एंड प्रोसीजर का मतलब प्रोसीजर से निकल गए। जी अब जब सर, प्रोसीजर से निकलेंगे तो अब हम कहाँ आएंगे, जहां से छोड़ा था, यस अब जहां से छोड़ा था वो कहाँ है, उस पे आ रहा हूं मैं। सर, जिसमें सारी चीजें आउटपुट का वो कह रहे हैं। हाँ यानी कॉल टेस्ट के बाद आ जाऊंगा ना मैं, भाई बीच में तो हमने प्रोसीजर कॉल करा लिया था ना, तो ये तीन चीजें चल गई, जी सर, ऐसा। अच्छा अब आ जाओ, अब कह रहे आउटपुट नंबर वन इज स्टिल, अब जरा बताना अब नंबर वन कौन सा वाला होगा, लोकल या ग्लोबल। ग्लोबल 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 वो वाला होगा होगा सर। जो प्रोसीजर में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो प्रोसीजर में कौन सा इस्तेमाल नहीं हो रहा, वन, दवन नंबर वन। ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट अभी किया है, क्योंकि ये वो है जो प्रोसीजर से हम बाहर निकल चुके हैं, तो अब हमारा नंबर वन स्टिल कौन सा रहेगा, बोलो वाइस नंबर वन कौन सा रहेगा, फिफ्टी 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 हो जाएगा। रहेगा और फिर दोबारा जाएंगे, नंबर टू इज स्टिल, नंबर टू ही रहेगा जो ये वाला है 100, ये देखो 100 हंड्रेड। आ गया, और आउटपुट आंसर इज स्टिल आंसर, आंसर दोबारा 150 रहेगा, समझ और लो। सर, ये इसलिए होगा क्योंकि लाइक ये इसमें लाइक प्रोसीजर लगा नहीं था, प्रोसीजर से इसलिए बाहर आ ऐसा, गया ना ये, हाँ इसलिए ग्लोबल था ये। सही प्रोसीजर से बाहर आ गया, सर, सही है। और आउटपुट नंबर थ्री इज नंबर थ्री, अब जरा देख के बताओ कि इस पूरे हिस्से में प्रोसीजर से बाहर क्या नंबर थ्री का इस्तेमाल हुआ है, नहीं सर, नहीं हुआ ना, नंबर वन नंबर टू इस्तेमाल हुआ है, अगर गौर से देखो तो नंबर थ्री कहाँ इस्तेमाल हुआ है, प्रोसीजर में इस्तेमाल हुआ था नंबर सर। थ्री इस्तेमाल यहाँ हुआ है और ये विद इन द प्रोसीजर है, तो फिर इसके लिए क्या आना चाहिए यहाँ पे, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। मतलब एरर आ जाएगा ना, मतलब आउटपुट कह रहा है नंबर थ्री इज नंबर, तो जब वो नंबर थ्री को ढूंढने जाएगा क्या उसको नंबर थ्री मिलेगा, क्योंकि नहीं वो सर, के अंदर डिफाइन हुआ था, तो वो कह रहा है भाई नंबर थ्री वेरिएबल जो है वो अनडिफाइन रहेगा तो एरर आ जाएगा। अब बताओ आप समझ में आई कहानी, जी यस सर, जी सर, सर। लेकिन सर, जो वापस वापस दूसरा वाला सवाल करो, पार्ट हुआ है उसमें तो लाइक उसने नंबर 3 लिया भी नहीं था ना। मतलब नंबर थ्री इसके अंदर मेन प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक जी सर। है। तो ये हो जाएगा, अच्छा बच्चों वापस आ जाओ, जो हम सवाल पे गए थे उसी तरफ आ जाते हैं। जी सर, जहां मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, प्रोसीजर इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर हम लोकल वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये बात समझ में आ गई, लोकल वेरिएबल हमने जो भी काम किया है, जी यस सर, सर, आगे क्लियर। जी चलो सर, अच्छा, साथ साथ देन एंड देयर चीजें बढ़ गई तुम्हारी। अब ये जरा देख लेते हैं कि
राइट अ सुडोकोड टू डिक्लेयर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। याद है रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एक होता था हमारे पास, यानी उसमें हम क्या कर सकते हैं, यानी डिक्लेयर कराते डिफरेंट सर वो डेटा टाइप्स। डिफरेंट डेटा टाइप्स कराते। तो अब वो ये कहता है कंपनी कीप द डिटेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट आइटम्स इन डेटा एरे स्टॉक। तो वो एक वन डी एरे स्टॉक के नाम से, ठीक है, उसके अंदर सारा डाटा जाता है। एरे कंसिस्ट ऑफ 1000 एलिमेंट्स ऑफ टाइप स्टॉक आइटम। तो आपको याद होगा हमने रिकॉर्ड डेटा टाइप पढ़ी थी, उस रिकॉर्ड डेटा टाइप के अंदर हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करा सकते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो कहता है द रिकॉर्ड फाइल ऑफ स्टॉक आइटम्स आर, यानी ये जो स्टॉक के नाम की एरे है, और एलिमेंट ऑफ टाइप स्टॉक आइटम, यानी हमें जो इसका नाम देना है वो स्टॉक आइटम देना है। याद पढ़ रहा है आप लोगों को ये जो हमने पढ़ा था, जैसे उसकी एग्जाम्पल बुक से आपको शायद याद आ जाए, टाइप के नाम से हम लिखते थे रिकॉर्ड, और इस रिकॉर्ड के अंदर जो भी चीज हमें यूज करनी होती थी, जैसे बच्चों का नाम था तो हम लिखते थे डिक्लेयर नेम लिखा करते थे। अगर हमें एक डाटा टाइप बनानी है, बच्चों की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो हम डिक्लेयर नेम करा के नेम को स्ट्रिंग डाल देंगे, और अगर उनके मार्क्स डालने हैं तो डिक्लेयर मार्क्स करके उसको इंटीजर डाल देंगे, और आखिर में एंड रिकॉर्ड कर देते हैं, एंड टाइप या एंड रिकॉर्ड। आ रही है बात समझ में? जी सर, जी सर, ये रिकैप है, ये हमने किया हुआ था। तो वो कह रहे इसी तरह से आप बना दो स्टॉक आइटम के नाम से, और उसके अंदर जो चीजें आएंगी वो आएगी प्रोडक्ट कोड प्राइस और नंबर इन स्टॉक। अब जरा एक आइडिया दे चुका हूं मैं तुम्हें, अब बताओ सबसे पहले क्या लिखो। सर इसमें वो वन डी एरे का डिक्लेरेशन करनी है क्या, ये सिर्फ डायरेक्ट हम लोग एरे का वो स्टार्ट नहीं, कर दें? उसने इसने देखो, अगर बात देखो द कंपनी की डिटेल ऑफ प्रोडक्ट आइटम इन दिस डायरेक्ट कंसिस्ट ऑफ 1000 एलिमेंट ऑफ टाइप स्टॉक द रिकॉर्ड फाइल इज राइट सुडो कोड टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। हमें डिक्लेयर कराने सिर्फ इसमें, हालांकि उसने मतलब उसमें सिर्फ वन डी एरे का इस्तेमाल नाम ऐसे यूज किया है, बेसिकली हमें डिक्लेयर कराना है ना, देखो राइट डिक्लेयर द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। तो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर तो कैसे? सर पहला टाइप रिकॉर्ड लिखेंगे हम, वेरी गुड वाइस, क्या क्लियर हुआ? लिखेंगे? जी सर, टाइप स्टॉक आइटम लिखूंगा जी स्टॉक आइटम, जी सर, जी सर, क्योंकि वो है ना। अच्छा अंदर क्या सर, रिकॉर्ड का होगा? नाम लिखना होता है जो होता है। हमें जब उसका क्या कहते हैं, अपना जो डाटा टाइप बनाते हैं ना उसका जी नाम लिखना होता है, वो ये है स्टॉक आइटम के नाम से, नहीं, जैसे रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जो है वो स्टॉक आइटम है, नाम है, स्टॉक तो आइटम है। हाँ द रिकॉर्ड फील्ड ऑफ स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम बेसिकली वो आप एक डेटा टाइप नहीं बना रहे हो, यानी एक ऐसी डेटा टाइप जो मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है विद इन इटसेल्फ, ऐसे ही है ना, जी ये अपने अंदर मल्टीपल डेटा टाइप को सपोर्ट कर रही है। आप क्या लिखूं वाली लाइन? डिक्लेयर कोड एस स्ट्रिंग, एक मिनट रुकना, डिक्लेयर लिख गया, पहली चीज क्या आ रही है? प्रोडक्ट कोड और स्ट्रिंग। प्रोडक्ट कोड, और यहां डाल दूंगा स्ट्रिंग, और दूसरा डिक्लेयर क्या आएगा दूसरा? प्राइस प्राइस है। सर, डिक्लेयर हर लाइन में लिखना जरूरी है, मतलब जब हाँ पेपर में हम हाँ बैठे। हाँ ये बुक से देखना, इसी तरह से था बेटा, अभी मैं जा नहीं रहा, टाइम वेस्ट होगा, बुक की तरफ जाऊंगा। ये एग्जैक्टली वही है जो बुक में लिखा हुआ है, नंबर इन स्टॉक, नंबर इन स्टॉक हो जाएगा, और ये होगा 15 16 जो भी लिखा हुआ है, क्या होगा ये, इंटीजर सर, और आखिर में एंड टाइप कर दूंगा। बच्चों सही है? जी सर, अब क्योंकि बी पार्ट है ना, बी पार्ट पे तुम्हारी बात का जवाब आ जाएगा वाइस, कि वो कह रहा है राइट अ सुडो कोड टू डिक्लेयर स्टॉक एरे। एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो डिक्लेयर एरे का नेम और फिर नाम क्या है एरे का? स्टॉक, स्टॉक ही है, आगे क्या लिखेंगे? तो उसकी लिमिट आ जाती है एरे की, मतलब एरे लिखते हैं ना पहले स्टॉक, एरे और उसके बाद एरे लिखते हैं डिक्लेयर करते हुए, फिर एरे लिखते भी तो है ना, तैयारी यस सर एरे, अब उसके बाद हम लिमिट क्या देंगे, वन 0 to 919 या फिर 1 to 1000, वन टू 1000 लिख दूं, यस सर। और उसके बाद एक और चीज लिखी जाती है। उसका जो डेटा टाइप होता है सर,
ठीक है, ऑफ, और अब हमने जो बनाया वो किस नाम से बनाया, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम, ऐसे ही होता है ना एरे, और उसके बाद डेटा टाइप लिखते, तो हमने डेटा टाइप जो बनाई है उस डेटा टाइप का नाम सर स्टॉक ये वाला ऑफ स्टॉक आइटम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला सिर्फ ऑफ स्टॉक नहीं लिखेंगे। ऑफ स्टॉक आइटम लिखेंगे, हमने अभी तो डेटा टाइप बनाई है स्टॉक आइटम के नाम से, तो यहाँ पे ऑफ के बाद डेटा टाइप लिखी जाती है ना, जी, ऑफ स्टॉक आइटम। अब बताओ समझ में आई बात। यस सर। जिस राइट अ सूडो कोड टू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट 20, यानी 1000 तो उसमें था, उसमें से 20 की वैल्यू आपने चेंज करनी है और आपने उसकी प्राइस डालनी है, ऊपर से देख लो कि आइडिया समझ में आ जाएगा, यानी प्राइस को आपने सेट करना है 20 की 105 डालना है उसमें, और इंक्रीज करना है नंबर इन स्टॉक को 12 से, यानी नंबर और इन स्टॉक के अंदर आपने यहाँ देख लो, यहाँ नंबर इन स्टॉक ये आ रहा है और ये आ रहा है आपका प्राइस, ये दो चीजें आ रही है, तो इसको आपने वैल्यू को अपडेट करना है, तो असाइन करना होता है हमें, तो कैसे करेंगे, यानी एरे के अंदर आपने उसकी प्राइस को अपडेट करना है, कैसे करोगे, एरे का नाम बताओ। स्टॉक स्टॉक सर। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया स्टॉक आ गया, और स्टॉक इज एन एरे नेम, अब हमें उसकी कौन से इंडेक्स के ऊपर सारा काम करना है, सर जी बच्चों मौजूद हैं आप लोग साथ, वाहिद 20th तो जी, हिमान हम और वाइस आप हैं मौजूद, जी सर हाँ तो हमें 20th पे करना है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं स्टॉक ऑफ 20, जी जी सर अब स्टॉक ऑफ 20 के अंदर ये बिलोंग करता है उसके साथ, यानी हमें इसमें जो चेंज करना है वो करना है प्राइस की, इसमें जो हमने यहाँ सेट की थी ये रिप्राइस, प्राइस के अंदर आ रहा है ना चेंजेस का, ये रहा जी है यस ना, सर। तो यहाँ पे मैं लिखा प्राइस करके लिख, हाँ बोलो, डॉट सर मैं ये भूल गया, डॉट क्या रोल प्ले करता था? के बाद आप लिखते हो कि जो एरे इस्तेमाल हो रही है, ठीक है स्टॉक की तो हो रही है, उसकी डेटा टाइप कौन सी है, प्राइस प्राइस यहाँ पे वाली, अब उसके अंदर जो चीज आप डाल ले वो क्या डालना है आपने, नहीं रियल जो वैल्यू है नहीं वैल्यू है, वैल्यू क्या है, 105। 105.99। अब इसको देख के अगला भी बता दो, स्टॉक 20 डॉट नंबर इन स्टॉक। तो ये आ जाएगा, हाँ तो अब यहाँ पर अब जो चीज इंक्रीज हो रही है वो हो रही है नंबर इन स्टॉक, तो हम यहाँ लिखेंगे डॉट नंबर इन स्टॉक, नंबर इन स्टॉक ये लिख दिया हमने, ठीक है अब उसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर इन स्टॉक बराबर है नंबर इन स्टॉक प्लस, यही चीज होती है, ऐसे बराबर होगा सम बराबर है सम प्लस वन, नहीं वो कह रहे सर हैं 105.99 12 है ना, प्लस 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 105.99 प्लस 12 क्योंकि नहीं ऐसा क्यों लिखोगे, प्राइस लिखा है को इंक्रीज द क्यों मिक्स नंबर कर रहे बाय हो, 12 का। प्राइस को मिक्स कर रहे हो तुम, देखो ये जो हमने पूरा लिखा है ना ये वाला, इसी के अंदर इंक्रीमेंट बाय 12 करना है ना जी सर जी, स्टॉक स्टॉक 20 ऑफ 20 पे, तो हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, आपको याद है ना जैसे हम लिखते थे कि काउंट बराबर है काउंट प्लस वन, ऐसे ही होता है ना इंक्रीमेंट, जी तो यहाँ क्या होगा स्टॉक ऑफ 20 डॉट नंबर इन स्टॉक, और फिर दोबारा हम लिखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के, इसका ध्यान रखना, और इसका लिख के फिर हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ 20 डॉट नंबर इन स्टॉक, और अब क्या लिखूंगा +12 प्लस 12, अब ये ऐसे होगा, क्या ये बात समझ में आती है, जी मतलब सर कि वो एरो हट जाएगा जिसमें मतलब प्रोसेस होता था। वो तो असाइनमेंट हो रही है ना, असाइनमेंट तो हो चुका ना, असाइनमेंट हो रही है, यानी इसका मतलब है कि ये जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है ये नीचे वाली, इसमें आप प्लस करा दो 12 को, हो जाएगी अपडेट, यस सर। सही वाइज आया समझ में,
जी सर। कहता है स्टॉक रिपोर्ट प्रोग्राम इज डेवलप्ड। सर ये इधर आपने ये काउंट काउंट प्लस वन से क्यों लिंक किया, ये बात समझाएं। एग्जाम्पल देने के लिए किया है कि जब कोई भी चीज इंक्रीमेंट बाय होती है तो हम उसको इसी तरह लिखते हैं ना कि वेरिएबल एरो वेरिएबल प्लस दैट वैल्यू। अच्छा सही से आप समझ आ गए मुझे। सही है सही सही। स्टॉक प्रोग्राम के क्या कहता है कि व्हाइल सुडो को टू आउटपुट द इंफॉर्मेशन फॉर ईच स्टॉक आइटम दैट हैज प्राइस ऑफ अ स्टॉक रिपोर्ट प्रोग्राम इज डेवलप्ड राइट सुडो को टू आउटपुट द इंफॉर्मेशन फॉर ईच स्टॉक आइटम दैट हैज अ प्राइस ऑफ एटलीस्ट 100। कम से कम 100 होनी चाहिए। आउटपुट द इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। तो प्रोडक्ट कोड डॉट प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ आएगा ठीक है दिस, और ये लिखा हुआ आएगा जैसे BGR24 इन स्टॉक और वो 15 लिखा हुआ आएगा। तो अब हमसे ये कह रहा है कि आउटपुट द इंफॉर्मेशन फॉर ईच स्टॉक आइटम ठीक है। तो अब क्या क्या चीजें आ सकती हैं उसके अंदर। तीन चीजें थी यहाँ पे, कौन कौन सी? नंबर इन स्टॉक थी और प्राइस वाली बात पे तो कंपैरिजन होगा। तो अब हम इस तरह से कर सकते हैं कि वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि राइट अ सुडो कोड टू आउटपुट द इंफॉर्मेशन फॉर ईच स्टॉक। अच्छा सही है, हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे इसके अंदर? 1000 1000 थे ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे काउंट चाहिए होगा ठीक है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ डिक्लेयर, डिक्लेयर लिखा और डिक्लेयर लिख के मैं काउंट लिख देता हूँ और उसको मैं इंटीजर लिख देता हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ? ये इसलिए कर रहा हूँ कि उसने हमें पूरे 1000 एलिमेंट्स में से चेक करना है उन तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइस जो 100 से कम है। तो अब ये लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर काउंट बराबर है 1 से लेकर 1000। ये बात समझ में आ रही है क्यों कर रहा हूँ? जी सर। वो कह रहा है कि प्राइस एटलीस्ट, अच्छा हाँ प्राइस एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 100 होनी चाहिए। इसका मतलब है फिर मैं ये लिखूंगा इफ, और मेरी एरे का नाम क्या था? स्टॉक स्टॉक। तो मैं लिखूंगा इफ स्टॉक और स्टॉक स्टार्ट के, ऑफ प्राइस होगा ना सर, हाँ इफ स्टार्ट इफ हाँ स्टॉक डॉट डॉट प्राइस। प्राइस होगा, लेकिन पहले बीच में वो भी तो लिखना होगा ना, यानी स्टॉक ऑफ काउंट की वैल्यू अभी 1 है, यानी वो पूरे 1000 आइटम्स की करेगा ना। तो स्टॉक ऑफ काउंट, तो अभी काउंट में 1 होगा, तो स्टॉक ऑफ 1 डॉट प्राइस। अब आ रहा है समझ में, यस सर। है ना? अब वो कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स 100, क्योंकि उसने बोला कम से कम 100 होनी चाहिए, तो उसका मतलब है उससे ज्यादा भी होंगी तो सही होगा ना। वो जी हिमान समझ में आ रहा है? तो कहता है कि डिक्लेयर करो जी सर। काउंट और काउंट इज 1 to 1000। इफ स्टॉक ऑफ काउंट डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल 100 देन, मतलब सर अभी इस स्टेप में ये एक एक स्टॉक की प्राइस निकाल रहा है। ये जो स्टॉक का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको चेक करेगा। इसको तो सारे 1000 के 1000 का चेक करना है ना, जी तो ये पहले का भी चेक ये कर पहले का रहा। चेक कर रहा है। वो कह रहा है ना अगर हो तो फिर इंफॉर्मेशन आउटपुट करो ना, जो भी प्राइस 100 से ज्यादा है तो प्रोडक्ट कोड डिस्प्ले करवाओ, प्रोडक्ट कोड डिस्प्ले कराओ और नंबर इन स्टॉक डिस्प्ले कराओ। समझ रहे हो? जी तो अब सर। तो आसान है ना, अब क्या लिखूं बताओ? उसने बोला है आउटपुट कराओ, अगर ऐसा है तो बताओ क्या लिखूं? आउटपुट आउटपुट लिखूंगा और आउटपुट में किस तरह से डिस्प्ले आना चाहिए बताओ। सर जैसे प्रोडक्ट कोड हो। हाँ क्योंकि देखो लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट कोड, तो मैं जी आउटपुट में एग्जैक्टली ऐसे लिखूं प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट लिखूं कोड लिखूं, ये लिखा हुआ आ गया, और उसके बाद कॉलन डालूंगा क्योंकि जी यहां तक ये चीज तो प्रिंट हो रही है। अब ये जो BGR24C है ये कहाँ पड़ा हुआ होगा? प्रोडक्ट कोड। ये पड़ा हुआ होगा हमारे पास प्रोडक्ट कोड में। तो अब हम यहाँ तो हमने ये लिख दिया ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, एक काम ये आ गया। एंड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कॉनकैटिनेट हो जाए ऐसे ही है, जी उसके बाद भी तो लिखना है ना, तो हम एंड लिखेंगे। ये एंड आ रहा है, सही। कौन कैट है ना। हाँ कौन कैट है ऐसे लिख देता हूँ, ये आ गया। अब अगली चीज जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? प्रोडक्ट कोड
अच्छा इसके अंदर हमें एक चीज ये भी तो बतानी है ना कि प्रोडक्ट कोड तो लिखना है, प्रोडक्ट कोड एक्सेस किससे होगा? प्रोडक्ट कोड एक्सेस तो करवाओ स्टॉक वो। को स्टॉक काउंट, शाबाश, स्टॉक काउंट, डॉट प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, प्रोडक्ट कोड ये रहा। जी। तो ये आ गया और इसमें आएगा प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड ये आ गया। अब और कॉन्कैटिनेट करेंगे इसको, अब दोबारा से वही चीज रिपीट होगी क्या? नंबर इन स्टॉक, नंबर इन स्टॉक, नंबर जैसा लिखा हुआ ऐसे लिखना है, नंबर इन स्टॉक ये लिख लिया। और कॉलन डालना जरूरी है क्योंकि उसमें आगे ये कॉलन डाला हुआ है, कॉलन डाल देता हूँ। कॉलन डालने के बाद सिमिलर वही चीज रहेगी, इनवर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा, फिर दोबारा कॉनकैटिनेट कराऊंगा। और क्या लिखूं दोबारा? सर कोलन डालने स्टॉक के बाद काउंट फिर से डॉट, कोलन डालेंगे, हिमान सवाल पूछो, कॉलन डालने के बाद फिर से मतलब वो इन्वर्टेड कॉमा कॉनकैटिनेट तो है डालेंगे। ना, नंबर इन स्टॉक के बाद। नहीं मैंने मिस्टेक से वो कर दिया, गलती से डाल दिया, यहाँ नहीं होगा ये, नहीं, यहाँ होगा वहां नहीं होगा, ये हो गया, यहाँ नहीं होना चाहिए था। सही है, सही सर, सही है। चलो अब इसके बाद क्या आ गया, अब यहाँ क्या लिखूं? स्टॉक ऑफ काउंट आ गया, डॉट डॉट नंबर इन स्टॉक, नंबर डॉट एंड स्टॉक। स्टॉक, क्योंकि वो हमें नंबर ऑफ स्टॉक का मांग रहा है ना। चेक कर लेता हूँ किस वेरिएबल के उसमें लिया गया है, कहाँ है ये, ऐसे दिया हुआ नंबर इन स्टॉक नजर आ रहा है, जी सर, ये दिया हुआ, ये मिला के लिखा हुआ है, मिला के लिखना है नंबर एंड स्टॉक। नंबर एन स्टॉक, और अब क्या हो गया, आखिरी दो चीजें कौन सी रह गई हैं? इफ था, इफ के नीचे एंड इफ आ जाएगा, और फॉर था, फॉर के नीचे नेक्स्ट काउंट नेक्स्ट ऑफ काउंट आ जाएगा। बताओ बच्चों, आया समझ में? यस सर। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो इसके बाद जो है इसका बकिया हिस्सा इंशाल्लाह कल करेंगे, और फिर कल जो है, कल के बाद फिर हम जो है इसके टॉपिकल तरीके से इसको करेंगे, इस तरह पूरा पेपर नहीं करेंगे। मैं आपको पहले बता दूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आप उसको पढ़ के भी रखोगे। तो ये तो मैं एक जस्ट फॉर इन्फॉर्म, मतलब एक आपके साथ एक पेपर मैंने सॉल्व करके देखना था कि भाई चलो आप लोग कितना रिस्पॉन्स देते हो, चीजें आपको याद है। तो कल इसका रिमेनिंग पार्ट हाफ एन आवर में हो जाएगा, फिर बाकी रिमेनिंग पार्ट का फिर जो है कल हम उसको कर लेंगे। अभी हमने रिसेंटली कौन सा पढ़ा था, स्ट्रक्चर चार्ट था यस सर, है ना, तो इसी को देख लेंगे। या फिर ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कल हम एक काम करते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस तेजी से निपटाते हैं, लाइक इसमें ये वाले जो क्वेश्चंस है ना सारे एक्सप्रेशन वाले, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन वाले, कल ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे पहले कर लेंगे, ठीक है ना? तो जितने इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कर लेंगे, फिर उसके बाद दो तीन क्लासों के बाद होपफुली हम पे सुडो कोड की तरफ, फिर हम सुडो कोड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। क्लियर है? साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। आज से आप शुरू कर दो, आज एक पास पेपर आप मुझे भेजोगे 12 बजे से पहले पहले P1 का, और फिर कल जो है शुरू करोगे, कल से एक P1 एक P2 का, जो हो सकती है चीजें वो करते रहोगे, जो नहीं है कि मुझे स्नैपशॉट भेज दोगे, मैं फिर आपको वॉइस पे जो है ना बता दूंगा, ठीक है? तो आप समझ लो कि अब इसको स्टार्ट करना है, हमारे पास तकरीबन 20 पास पेपर्स का एक टारगेट होना चाहिए। अगर हम 10 दिन आज से शुरू करेंगे तो 28 तक इंशाल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर हम 20 के करीब पास पेपर्स कर लेंगे, ठीक सर है? एक P2 का क्वेश्चन था, मैं आपको अभी क्लास के बाद भेजूंगा, नमाज के बाद। वो हाँ एक अर्थ का ग्राफ था, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन थी, और फिर उसका क्या नाम है, सूडो कोड था, ठीक है वो ना, एक ही क्वेश्चन था, छह ठीक है, मार्क्स का, वो थोड़ा सा मुश्किल था, मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है भाई। अब मैंने ये बात आप लोगों को कह दी, आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लो, आपने जो है वो एक एक पास पेपर दोनों का करना है। अब आपकी मर्जी, आप एक साथ यानी अगर 5 दिन के अंदर 10 पास पेपर P1 के करना चाहते हो तो वो कर लो। आप कैसे करोगे, आप P1 के दो करना चाहोगे या P1 का एक P2 का एक? P1 के सर दो एक मतलब सही रहेंगे, क्योंकि P1 के, दो सही रहेंगे, क्योंकि एक तरफ फोकस होगा ना।
बाकी बताएं, तो सर फिर सर पहले P1 का कर लेते हैं। फिर उसको बस 5 दिन से ज्यादा नहीं रखना है आपने, ठीक ठीक है सर। है ना? तो इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है, और ताकि 5 दिन के अंदर आपका P1 हो जाए। देखो उसमें क्यूरीज आएंगी, ठीक है ना? तो उसको अगर आप कर लोगे ज्यादा अच्छा, आप उससे पूछ लोगे तो देन एंड देयर हो जाएगा, फिर आपका जो है वो थोड़ा इत्मीनान आ जाएगा आपको 4 से 5 दिन में कि भाई हमने इतनी सारी चीजें कवर कर ली हैं। तो ये आपने जरूर करना है। तो आज ही आपने, अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं, एक पास पेपर तो आप लेके बैठ सकते हो, ठीक है? और फिर मुझे आप जो है ना वो पास पेपर 12 बजे तक भेजोगे, और कल से फिर आप दो दो पास पेपर करोगे। सर टोटल 10 करने हैं। अभी इनिशियली हाँ 10 के करीब तक जाते हैं, 10 तक हो जाएगा, फिर बाकी भी बता दूंगा, फिर उस वक्त तो और कर लेंगे, लेकिन अभी 10 10 करके रुक जाएंगे। यानी 10 P1 के कर लेंगे, 10 P2 के कर लेंगे। असल में अभी तुम्हारा पहला पेपर 8 मई को है, ठीक है? तो 20 दिन है अभी, अगर तुम इसको इसी तरह से करते हो, 10 से 15 भी कर लेते हो, तो होपफुली तुम काफी हद तक चीजें कर लोगे। फिर दूसरा है, दूसरे के लिए हमें टाइम मिल जाएगा, 8 के बाद से 17 को है, तो 17 के लिए हमें टाइम मिल जाएगा बीच में। वो फिर रेगुलर हमारी सारी क्लासेस चलती रहेंगी, पास पेपर भी। लेकिन ऐसा है कि अभी 5 दिन ले लो, और मैं अब 5 दिन अगर कह रहा हूँ ना, तो फिर एक काम करो, फिर दो ना लो, फिर तुम तकरीबन 3 या 4 करो, ठीक है? 5 दिन में 3 या 4 करो। मैं एक चीज दिखा देता हूँ, उसको जरा देख लो।